स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर को, जहाँ पे इसके नाम से जाहिर हो रहा है कि सर्किट ब्रेकर ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके जरिए से किसी सर्किट को ब्रेक किया जा सके, यानी कि ओपन किया जा सके, तो फिर इसमें से करंट नहीं गुजरेगा। और अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके जरिए से अनसेफ कंडीशंस में सर्किट को ओपन कर दिया जाता है, यानी कि कहीं पे भी करंट अर्थ की जानिब लीक हो रहा होगा तो वहाँ पे ये अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर सर्किट को ओपन कर देता है ताकि करंट फ्लो ना करे। तो आप इस तस्वीर में एक अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर देख सकते हैं। तो इस तरह से होता है कि कभी कभी कुछ इक्विपमेंट्स की मेटल सर्फिसेस पे, या फिर हम देखते हैं कि जहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन हुई हुई होती है, यानी कि जहाँ से पावर सप्लाई आ रही होती है, उसकी केसिंग के ऊपर करंट लीक होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। तो ये अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर वहाँ पे काम करता है और ये डिटेक्ट करता है कि अगर इस तरह का कोई वोल्टेज या करंट लीक हो रहा हो कहीं पे, तो ये अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर वहाँ पे सेंस कर लेता है उस वोल्टेज या करंट को और फिर सर्किट को ब्रेक कर देता है। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर के अंदर एक स्पेशल टाइप का स्विच यूज होता है जिसे लैचिंग रिले कहते हैं। ठीक है, लैचिंग रिले, ये एक ऐसा इलेक्ट्रिकल स्विच होता है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट इस्तेमाल करता है, जहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट ऐसा मटेरियल होता है जिसको इलेक्ट्रिसिटी के जरिए से मैग्नेट बनाया जाता है। तो अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी लीकेज सर्किट ब्रेकर, जिसे ELCB से भी डिनोट किया जाता है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है और वो किस तरह से वर्किंग करता है वो हम डिस्कस करते हैं। ELCB दो टाइप्स के होते हैं, जिनमें से एक वोल्टेज ऑपरेटेड होता है तो दूसरा करंट ऑपरेटेड होता है। तो सबसे पहले हम वोल्टेज ऑपरेटेड ELCB को डिस्कस करते हैं। वोल्टेज ऑपरेटेड ELCB को आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। इसके अंदर 6 टर्मिनल्स होते हैं, जिनमें से दो टर्मिनल्स फेस टर्मिनल्स कहलाते हैं, जो कि लाइव वायर के होते हैं, जिनमें से एक टर्मिनल में करंट एंटर होता है जिसे फेज लाइन भी कहते हैं, और इस तरह से दूसरे टर्मिनल से करंट निकलता है जिसे फेज लोड कहते हैं। इसके अलावा दो टर्मिनल्स न्यूट्रल होते हैं, जिनमें से एक इन के लिए होता है और दूसरा आउट के लिए होता है। इसी तरह से एक टर्मिनल फॉल्ट टर्मिनल कहलाता है, जो कि मेटल बॉडी पार्ट के साथ कनेक्टेड होता है। इसके अलावा एक और टर्मिनल आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि अर्थ होता है। वोल्टेज ELCB के अंदर इस तरह से वर्किंग होती है कि अगर लाइव फेज वायर इक्विपमेंट की मेटल बॉडी को टच कर जाए तो उसकी वजह से इसके अंदर एक वोल्टेज डिफरेंस प्रोड्यूस होता है, और इस वोल्टेज डिफरेंस की वजह से जो फॉल्ट टर्मिनल होता है जिसके साथ रिले कॉइल लगी हुई होती है उसके अक्रॉस करंट फ्लो करता है, जिसकी वजह से जो रिले कॉइल होती है वो सर्किट को ब्रेक कर देती है और यूं करंट फ्लो करना बंद कर देता है। तो यूं वोल्टेज ELCB वोल्टेज डिफरेंस को डिटेक्ट करता है और यूं वो सर्किट को ब्रेक करता है। तो इसके मुकाबले में जो करंट ELCB है वो करंट की बेस पे ऑपरेट करता है, तो उसको हम एक एनिमेशन के जरिए से समझते हैं। तो यहाँ पे आप करंट ऑपरेटेड ELCB का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, और फिलहाल इस स्ट्रक्चर में हमने अभी पावर सप्लाई को ऑन नहीं किया हुआ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्ट्रक्चर देख लेते हैं ELCB का, जो कि करंट ऑपरेटेड है। तो करंट ऑपरेटेड ELCB के अंदर एक ट्रांसफार्मर होता है जो कि 3 वाइंडिंग्स ट्रांसफार्मर होता है, यानी कि इसके अंदर 3 कॉयल्स होती हैं, जिनमें से 2 प्राइमरी कॉयल्स होती हैं और 1 सेकेंडरी कॉयल होती है। यहाँ पे ये जो आप ऊपर और नीचे ये 2 वायर कॉइल्स देख रहे हैं, ये हमारे पास प्राइमरी कॉइल्स हैं, जिनमें से एक न्यूट्रल कॉइल है और ऊपर वाली लाइव कॉइल है। जबकि इसके मुकाबले में ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास एक कॉइल है, इसे सर्ज कॉइल कहते हैं और ये सेकेंडरी कॉइल होती है। इसके साथ आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पी है ये हमारे पास पॉजिटिव को शो कर रहा है, यानी कि ये हमारे पास लाइव वायर आ रही है जो कि इसके आगे से यहाँ पे इस ट्रांसफार्मर के अंदर कॉइल बना रही है, और इसके बाद फर्दर ये इस लोड के साथ अटैच हो रही है। इसी तरह से जो दूसरी लाइन है वो यहाँ पे न्यूट्रल एन को शो कर रही है, वो भी आगे जाके इस ट्रांसफार्मर के साथ यहाँ पे कॉइल बना रही है, और इसके बाद फर्दर वो आगे जाके लोड से अटैच हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास लाइव वायर है, यानी कि जो जिसको पी से डिनोट किया गया है, इसके साथ एक और कनेक्शन भी साथ हुआ हुआ है, जिसके साथ यहाँ पे टेस्ट पुश बटन है जो कि अभी ओपन है, यानी कि अभी ऑन नहीं हुआ हुआ। इसके साथ ही एक टेस्ट रजिस्टर भी लगा हुआ है,
और इस ये टेस्ट रेजिस्टर इसके बाद जाके ज्वाइन हो जाता है न्यूट्रल वायर के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सर्च कॉइल है, जो कि सेकेंडरी कॉइल है ट्रांसफार्मर में, वो आगे जाके एक ट्रिप कॉइल के साथ अटैच हो रही है। और ये ट्रिप कॉइल हमारे पास सर्किट को ब्रेक करने का काम देगी। तो ये तो हमने देखा कि स्ट्रक्चर क्या है करंट ऑपरेटेड ELCB का, कि जब हमने अभी पावर सप्लाई नहीं इसके साथ ज्वाइन किया, यानी कि यहाँ पे पावर सप्लाई प्रोवाइड नहीं की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस लोड के साथ यहाँ पे अर्थ भी किया हुआ है हमने लोड को। तो अब इसके बाद इसकी वर्किंग को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे अब हम पावर सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे करंट इस सर्किट में जा रहा है, तो चूंकि ऊपर यहाँ से टेस्ट पुश बटन तो हमने अभी पुश नहीं किया हुआ, तो इस वजह से ऊपर वाला सर्किट अभी क्लोज नहीं है। सिर्फ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जब करंट आगे की जानब गया, तो हमारे पास पॉजिटिव वाली जो कॉइल थी, यानी कि लाइव कॉइल थी, वहां पे भी हमारे पास जो करंट की वैल्यू है वो 5 एम्पेयर आ रही है। और जो हमारे पास न्यूट्रल वाली कॉइल है, वहां पे भी हमारे पास जो करंट है वो 5 एम्पेयर ही आ रहा है, क्योंकि इस वक्त नॉर्मल कंडीशन है, यानी कि इस वक्त कोई लीकेज नहीं हो रहा। इस वजह से हमारे पास इन दोनों करंट्स के दरम्यान में जो डिफरेंस है, यानी कि एल माइनस एन, वो हमारे पास 5 माइनस 5 इक्वल्स टू 0 एम्पेयर बन रहा है। अब यहाँ पे जो लाइव कॉइल और न्यूट्रल कॉइल हैं, ये दोनों कॉइल्स मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करती हैं, जो कि एक दूसरे को अपोज करती हैं। अब चूंकि यहाँ पे इन दोनों के अक्रॉस सेम करंट फ्लो कर रहा है, इसकी वजह से जो ये मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करेंगी वो एक जैसा होगा, लेकिन अपोजिंग होगा। इस वजह से इन दोनों के मैग्नेटिक फ्लक्स का कंबाइन इफेक्ट 0 होगा, क्योंकि ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगी। अब इसके मुकाबले में अगर फॉल्ट होता है, यानी कि करंट लीक होके अर्थ की जानब जाता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास अर्थ की जानब जो करंट है वो 3 एम्पेयर बन गया, जिसकी वजह से यहाँ पे डिफरेंस आ गया। क्योंकि यहाँ पे अगर 3 एम्पेयर लूज होके जा रहा है करंट, तो न्यूट्रल की तरफ 2 एम्पेयर रह जाएगा, जिसकी वजह से डिफरेंस हमारे पास लाइव कॉइल और न्यूट्रल कॉइल के दरम्यान में आ जाएगा 3 एम्पेयर्स। अब 3 एम्पेयर्स का मतलब ये है कि इन दोनों के मैग्नेटिक फ्लक्स का जो कंबाइन इफेक्ट है वो 0 नहीं होगा, यानी कि वो दोनों फ्लक्स एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर सकेंगे, जिसकी वजह से हमारे पास इस सर्ज कॉइल के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से हमारे पास ट्रिप कॉइल के अंदर एक करंट प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से ये ट्रिप कॉइल इस सर्किट को ओपन कर देगी, यानी कि ब्रेक कर देगी, और हमारे पास फिर करंट फ्लो नहीं करेगा इस सर्किट के अंदर। अब इसके बाद हम इस सर्किट को टेस्ट करके देखते हैं कि क्या वाकई ये ठीक तरह से काम कर रहा है कि नहीं। तो उसके लिए हम यहाँ पे पावर सप्लाई देते हैं और टेस्ट पुश बटन को प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे इस टेस्ट रेजिस्टर की वजह से 5 एम्पेयर्स प्रोवाइड हो रहा है करंट, जिसकी वजह से न्यूट्रल पे हमारे पास 10 एम्पेयर शो हो रहा है। तो यहाँ पे 10 एम्पेयर माइनस 5 एम्पेयर का डिफरेंस हमारे पास देगा 5 एम्पेयर, जिसकी वजह से हमारे पास दोबारा से इस सर्ज कॉइल पे एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, और जिसकी वजह से ट्रिप कॉइल की तरफ एक करंट प्रोवाइड होगा, जिससे ये सर्किट ओपन हो जाएगा और फिर करंट फ्लो करना बंद कर देगा सर्किट के अंदर। तो इससे हमें पता चलता है कि अगर हमने किसी इक्विपमेंट को अर्थ ना भी किया हुआ हो, तो उसके बावजूद जो करंट ऑपरेटेड ELCB है वो इक्विपमेंट के अंदर लीकेज को सेंस कर सकता है और सर्किट को ब्रेक कर सकता है। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सर्किट ब्रेकर इस तरह से भी काम करता है कि अगर मिसाल के तौर पे इस लोड को कोई टच करता है और उसको करंट लगता है, फॉर एग्जांपल 2 एम्पेयर का, तो यहाँ पे हमारे पास जो न्यूट्रल पे करंट रह जाएगा वो रह जाएगा 3 एम्पेयर्स, जिसकी वजह से हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा लाइव करंट और न्यूट्रल करंट के दरमियान 2 एम्पेयर्स का, जिसकी वजह से हमारे पास सर्ज कॉइल पे ईएमएफ इंड्यूस होगा, और उसकी वजह से ट्रिप कॉइल पे करंट प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से ट्रिप कॉइल इस सर्किट को ब्रेक कर देगी, और यूं फिर उस बंदे को करंट नहीं लगेगा। तो करंट ऑपरेटेड ELCB वोल्टेज ऑपरेटेड ELCB के मुकाबले में इसलिए बेहतर होता है क्योंकि इसको अर्थ करने की जरूरत नहीं होती, यानी कि इक्विपमेंट को अर्थ किए बगैर हम लीकेज करंट को पता चला सकते हैं और सर्किट को ब्रेक कर सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा, जिसमें हमने अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर को डिस्कस किया है।